तीर्थ नगरी पुष्कर में खुले वैकुंठ के द्वार। पौष माह की पुत्रदा एकादशी के अवसर पर वर्ष में एक दिन वैकुंठ नाथ भक्तों को देते दर्शन। कस्बे के नए रंगजी मंदिर में वैकुंठ द्वार पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वैकुंठ नाथ की हुई विशेष पूजा अर्चना। तीर्थ गुरु पुष्कर के नए रंगजी मंदिर में सोमवार को वैकुंठ एकादशी के साथ 10 दिवसीय वैकुंठ महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के शुभारंभ पर एक घंटे के लिए मंदिरों के वैकुंठ द्वार खुल गए, जिससे पहले भगवान वैकुंठ नाथ की सवारी निकली। इसके बाद वैकुंठ द्वार से निकलने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। नए रंगजी मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रमावत ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति नए रंगजी मंदिर में 10 दिवसीय वैकुंठ महोत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ आरंभ हुआ। महोत्सव के शुभारंभ पर सोमवार की सुबह बीते एक साल से बंद वैकुंठ द्वार खोला गया। वैकुंठ द्वार से रत्न आभूषणों से जड़ित भगवान वैकुंठ नाथ की सवारी निकाली गई। इसके बाद वैकुंठ द्वार से निकलने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ गया। इस दौरान द्वार के बाहर भगवान वैकुंठ नाथ की पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अर्चना की तथा प्रसाद वितरण किया। आज ये भगवान वैकुंठ नाथ का जो है सालाना उत्सव वैकुंठ एकादशी है, जो साल में एक बार ही ये द्वार खुलता है। जो अपने द्रविड़ जो हमारे पुजारी हैं उनके हिसाब से भगवान रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार करके और अभी 9 बजे से ही भगवान का वैकुंठ द्वार खुला है और अब सायंकाल 10 दिन तक सायंकाल 5 बजे भगवान की सवारी निकलेगी एवं अंत में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा।